हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम मिडास का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपका 4 नंबर मिडास है, मिड सेशन डीटीएस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो पेपर हुआ है जेई का, उसमें टॉपिक आपके पास हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव और एल्कोहल फिनोल ईथर। उसके सबसे पहले हम जेई मेन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम एडवांस का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि CH3CH2COAG की Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करवाई, फिर लिथियम CuI के साथ रिएक्शन करवाने के बाद उसके बाद ड्राई ईथर में ये रिएक्शन प्रोसीड करवाई है। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है वो है हुनसीड का रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हुनसीड का रिएक्शन। तो हुनसीड का रिएक्शन में क्या होता है? ब्रोमिनेशन होता है। तो अक्ष जो अपना पास बन जाएगा वो बन जाएगा CH3CH2 और ये Br, ये आपका कंपाउंड आ गया अक्ष। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए पहले लिथियम से और उसके बाद सेकंड करवाइए Q+ आयोडाइड से। तो यहां जिलमांस रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3CH2 का होल ट्वाइज और ये CuLi। फिर इसकी रिएक्शन करवाइए किससे? CH3CH2Br से। तो यहां न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज कौन सी है? CH3CH2- न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा Br को, बाहर करेगा, SN2 होगी। यहां से यहां तक की जो स्टेप है उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस मेथड। तो क्या प्रोडक्ट बना? दो कार्बन यहां से, दो यहां से, मतलब टोटल 4 कार्बन आ गए, मतलब एन ब्यूटेन इसका आंसर आएगा। और ऐसा ऑप्शन अपने पास थर्ड में दिया हुआ है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर द गिवन रिएक्शन ए, आपको यह बनाना है और इसके लिए आपको ए सिलेक्ट करना है कि ए क्या होगा। तो आप हम यहां देखें कि सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, तो पहले इसने Br की रिएक्शन करवाई है, फिर HNO3H2SO4। तो हमें पता है ये नाइट्रेशन करता है, NO2+ रिंग पे अटैक करेगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। NO2 किस पोजीशन पे जाएगा इसका पता हमें लगेगा इसके डायरेक्टिव इफेक्ट से, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव है। तो यहां से दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी आएगी, एक Br ऑर्थो पे NO2 जुड़ जाएगा, और सेकेंड जो पॉसिबिलिटी आएगी वहां Br और ये NO2 पैरा पे जुड़ जाएगा। अब हमें देखना है कि यहां करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सेकंड ऑप्शन में बात करते हैं, अगर मैं पहले NO2 जोड़ देता हूं फिर Br2 लेके आता हूं तो NO2 मेटा डायरेक्टिव है, तो Br मेटा पोजीशन पे चला जाएगा, हमें तो ऑर्थो पे लाना है, तो ये नहीं होगा। अगर मैंने पहले Br जोड़ के H2SO4 हीट किया तो कोई रिएक्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, या तो रिएक्शन ही नहीं हो पा रही है, और अगर मैं डायरेक्ट NO2HBr से करता तो यहां भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो दो जगह रिएक्शन हो रही थी, तो आंसर इसका आएगा फर्स्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है इस पेपर का, इजी वे में हो जाना चाहिए था फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज प्रीडोमिनेंटली SN2 रिएक्शन विद एक्वस NaOH इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो SN2 की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो SN2 की रिएक्टिविटी अगर बेंजाइलिक हैलाइड आपको दिया हुआ है, यहां बेंजाइलिक हैलाइड, तो सबसे पहले वो रिएक्टिव होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगा हुआ है, उसके बाद सबसे सिंपल वाला रिएक्टिव होता है, और सबसे लास्ट में जो वो होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि ऐसा काम कौन कर रहा है, तो वो काम कर रहा है NO2, क्योंकि NO2 का लग रहा है -R, OCH3 का लगता है +R, ये सिंपल, इसका भी लगता है +R, तो मोस्ट रिएक्टिव जो आएगा वो आएगा सेकेंड। नेक्स्ट आपको बोला है विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर गिवन कन्वर्जन, आपको इससे ये वाला कंपाउंड बनाना है तो इसके लिए कौन सा कन्वर्जन है। तो आप ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा स्मार्टनेस तरीके से भी काम कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड लेता हूं MeMgI, तो जैसे ही मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन MeMgI से करवाऊंगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से पहले एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद मेरे को दिया हुआ है कि आपको यूज में लेना है H+, तो पहले 3° एल्कोहल बन जाएगा OH और ये CH3। अब मुझे इसको बाहर करना पड़ेगा H2 बाहर, तो H2SO4 हीट, तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा, E1 रिएक्शन हो जाएगी H2SO4 और हीट, और ये OH और ये H2 यहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैं बता दूं E1 वाया कार्बोकेटाइन स्टेबल एल्कीन आपको बनानी होती है,
और ये सी एच थ्री। तो यहां पे एक बार तो दिया हुआ है, यहां तक तो दोनों में सेम ही ऑप्शन चल रहा है। यहां पे एक बार दिया हुआ है एच बी आर आर टू ओ आर टू ओ टू, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा। और एच बी आर दिया हुआ है तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनिको प्रोडक्ट बनता है। तो मुझे बी आर इस जगह जोड़ना है, मतलब बी आर वहां जिस डबल बॉन्डेड पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो एच बी आर आर टू ओ टू लूंगा, तब तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला सी एच थ्री और ये बी आर। और यदि आपने यहां एच बी आर ले लिया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगी और यहां हो रही है फ्री रेडिकल एडिशन, तो इस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट आएगा ये वाला। अब आप ऑप्शन देखें कि आपके पास कौन सा बनाना है, तो हमें ये बनाना है, तो आंसर तो हमारा ये वाला आ चुका है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं होगा, पहले एल्कोल बनेगा, एल्कोल बनने के बाद एच बी आर ओएच को हटा के यहां बी आर सप्लाई कर देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर आपने हीट किया है तो पहले तो यह बन जाएगा, बट जब इसकी रिएक्शन आप बी आर टू लाइट से करवाओगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और वो होगा sp3 पे एलाइलिक पोर्शन पे, या तो बी आर यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी आएगी, तो इसकी भी बात नहीं होगी। तो आंसर इसका जाएगा, वो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ये कंपाउंड दिया है और टेम्परेचर दिया हुआ है आपको इसके, और मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है और बोला कि किस पाथ से रिएक्शन जाएगी। तो देखो यहां ये वाला दिया हुआ है, इसके साथ ये वाला दिया हुआ है, और हमें हीट दी हुई है और बल्कि बेस आपको गिवन है। तो ये वाल, पहली बात तो ये जो रिएजेंट हो गया वो एल्कोहलिक KOH वाला हो गया, डीहाइड्रोहेलोजेनेशन करेगा, HX करेगा, ठीक है। तो ये अल्फा और ये बीटा और H यहां से और ये BR यहां से बाहर हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ये वाला बनने वाला है CH3 डबल बॉन्ड CH2, मेजर प्रोडक्ट ये बनने वाला। और जो बनेगा किससे, E2 पाथ से बनेगा, तो आंसर तो आएगा फर्स्ट आएगा। अब रही बात इसकी SN2 पाथ से, नहीं ये कम पॉसिबिलिटी है, हमें मेजर पूछा है तो मेजर वो बनेगा। यहां पे E1 पाथ 1 नहीं लगेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, यहां पे SN1 पाथ का कोई मतलब नहीं है, यहां भी स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, तो इसका भी आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, यहां हमसे पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एल्कोहल इज फॉर्मड एज ए प्रोडक्ट गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट, कि कौन सा पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट की बात करें तो यहां पे ग्रिग्नार्ड एजेंट से बनेगा सी एच थ्री ओ एच, ये सी एच थ्री पी एच, तो ये तो आइडोफोम टेस्ट नहीं देता। आइडोफोम टेस्ट एल्कोहल कौन सा स्केलेटन रखना चाहिए, सी एच थ्री सी एच ओ एच, अगर ये स्केलेटन है तो वो आइडोफोम टेस्ट दे सकता है। सेकंड की बात करें तो यहां पे ये डबल बॉन्ड ओ एच और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री, ये भी नहीं देगा। इसकी बात करें तो इधर देखो क्या बनेगा, उधर बनेगा पी एच सी एच टू ओ एच, क्योंकि ये अटैक करेगा, ये जाएगा और इसको बाहर कर देगा, तो ये भी नहीं देगा। और इसकी बात करें तो उधर बनेगा सी एच थ्री सी ओ एच, ओके, और ये पी एच और ये पी एच, यहां भी एक पी एच ओ लगेगा, तो ये भी नहीं देगा। तो इसमें तो अभी इस कंडीशन में तो हम यहां करते एच कर देते हैं, एच लगने के बाद सेकंड ऑप्शन में यहां पे एच हम कंसीडर करेंगे, तो उसके बाद अगर देखें तो वापस मैं बोलता हूं यहां हम एच कंसीडर करेंगे तो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच और ये एच और इधर आ गया आपके पास एम ई, तो ये वाला जो स्केलेटन है वो हेलोफोम टेस्ट दे देगा, तो आंसर जाएगा सेकंड, बट यहां हमें एच कंसीडर करना है। नेक्स्ट, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन लिया हुआ है, एनसीईआरटी में जहां एथेनॉल और मेथेनॉल की बात की है एल्कोहल फिनोल में, वहां से लिया हुआ है। पूछा है कि द एंजाइम ए बी सी इन द रिएक्शन सीक्वेंस आर, तो यहां पे डाइस्टेज आएगा जो ये बनाएगा माल्टोज, फिर माल्टोज में हम डालेंगे माल्टेज, तब ये बनाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम डालेंगे जाइमेज, तब बनाएगा ये एथेनॉल और CO2। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका जाएगा वो जाएगा सेकंड। क्लियर, सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, यहां पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द इन गिवन सीक्वेंस, तो बी आर टू एफ ई बी आर थ्री, ब्रोमिनेशन होगा क्या, ब्रोमिनेशन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये भी मेटा डायरेक्टिव, तो इसकी मेटा पोर्शन ये हो गई, ये भी मेटा डायरेक्टिव, इसकी मेटा पोर्शन ये हो गई, तो दोनों में यहां सेम प्रोडक्ट, मतलब दोनों सेम डायरेक्टिव कर रहे हैं, SO3H है
और ये NO2 है और यहां पे कौन जुड़ जाएगा, Br। फिर NaOH 350 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करेंगे, इसको फ्यूज्ड करेंगे। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, फिनोल बनाने का लैब मेथड है NaOH, यहां इप्सो सब्स्टिट्यूशन होगा, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और ये SO3H को बाहर कर देगा। बेसिक मीडियम में फिनोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए H+ दिया है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहां OH आ जाएगा, यहां NO2 आ जाएगा और यहां Br आ जाएगा। ऐसा आंसर अगर हम देखें तो ऐसा आंसर अपने पास है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि जब सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। तो वो रिएक्शन इंक्लूड की है जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो यहां ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ पी सी एच सी एल थ्री एन एच एसिडिक मीडियम। सबको पता है कौन सी रिएक्शन होने वाली है, राइमर टीमान रिएक्शन होने वाली है। और ये जब ग्रुप लगा हुआ है तो रिंग इसमें जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इस रिंग में जाएगा। अब इस रिंग में ये OH इसको एक्टिव करेगा, तो या तो इस ऑर्थो पे या इस ऑर्थो पे, तो बताया हुआ है दिस इज बीटा नेप्थोल। आपको सबको ऑलरेडी क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि ये वाली पोर्शन ज्यादा रिएक्टिव है, यहां स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, तो वहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप या फॉर्मिल ग्रुप जनरेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। ऐसा ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वह है थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो मोस्ट रेपिडली हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH टू फर्निश द करस्पोंडिंग हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। तो यहां पे आप देखो कि ये सब एरोमेटिक हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, ए आर एस एन टू, और ए आर एस एन टू में जो रिएक्टिविटी होती है वह फ्लोरीन NO2 की सबसे ज्यादा होती है, फिर उसके बाद Cl और NO2 की होती है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा इसकी है। अब देखो यहां पे इस NO2 का माइनस R लगेगा, इस NO2 का माइनस R लगेगा यहां पे, तो यहां पे दो बार प्लस चार्ज हम जनरेट कर सकते हैं, यहां माइनस आई, यहां माइनस आई, यहां भी माइनस आई, यहां भी माइनस आई, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां भी दो का माइनस R लग रहा है, तो यहां भी टू टाइम पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, तो यहां ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, सीएल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहां ये चार्ज आएगा। अब बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल नेचर इस कार्बन की है इस कार्बन की, तो डेफिनेटली इस कार्बन की होगी क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, तो यहां पे फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए आर एस एन टू डू नॉट डिपेंड अपॉन लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। नेक्स्ट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले यहां मैंने कोलबी रिएक्शन करवाई है, CO2NaOH कोलबी रिएक्शन, तो ए मेरे पास बना OH और ये COH, उसके बाद मैंने असाइलेशन करवाया है CH3CO और ये CH3, एसिडिक मीडियम में असाइलेशन, तो ये H2O यहां से क्या हुआ है, बाहर हुआ है, तो उसके बाद अपने पास प्रोडक्ट बनाया ये वाला O CO CH3 और ये COH, इसके बाद मैंने रिएक्शन करवाई है AlCl3 हीट से, तो यहां जो रिएक्शन होगी वो होगी प्रिस रीअरेंजमेंट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है क्लास में, प्रिस रीअरेंजमेंट यहां पे रिएक्शन होने वाली है, और प्रिस रीअरेंजमेंट में ये यहां से रीअरेंजमेंट यहां हो जाएगा, पेरा पोजिशन पे आ जाएगा, उधर वापस OH जनरेट हो जाएगा और इधर ये COH और इधर आ जाएगा COCH3। यहां तक आई होपफुली समझ में आ गया होगा यहां तक कैसे आया। उसके बाद Br2XS दिया हुआ है, फिनोलिक ग्रुप है और Br2H2OXS दिया हुआ, तो हमें पता है ट्राई ब्रोमिनेशन होता है, तो COH को भी सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहां भी Br आ जाएगा और यहां भी, बस दो जगह Br आ पाएगा, ये तो लिविंग ग्रुप नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां पर यह बन जाएगा OH और यहां पे भी Br सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और यहां भी Br। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो वो ऑप्शन हमें मिल रहा है थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Ac7H14 ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो सभी है। फिर बोला है कि ऑक्सीडाइज्ड बाय जोन्स रिएजेंट H2CrO4 ऑप्टिकली एक्टिव एक्टाइरल कीटोन,
ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, कायरन होना चाहिए, प्रोड्यूस करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मीट्स दिस फैक्ट, कौन सा फैक्ट करेगा? तो देखो अगर ये ऑक्सीडाइज होगा है तो ये बनाएगा, तो ये तो अब भी ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। इसकी बात करूं अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाएगा, तो ये अब भी, ये भी ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है, इसमें भी प्लेन नहीं लगेगी। अगर ये बनाएगा तो ये बनाएगा। अब यहां देयर इज नो कायरल सेंटर, प्लेन प्रेजेंट है, इसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाएगी, इस वाले कंपाउंड में पीओएस है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। तो आंसर अपना जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, दैट्स अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपको सबको बताया हुआ क्लास में कि बॉन्ड ये वाला क्लीवेज नहीं होगा, ये वाला होगा, पहले डबल बॉन्ड घूमेगा, एच प्लस यहां टेक करेगा, तो इधर ओ एच आएगा और इधर एच आएगा, तो सबसे पहले ये बनेगा, ठीक है, ये ओ 18 इस पे एच आ जाएगा और यहां डबल बॉन्ड और ये ओ एच आ जाएगा। इनोल से किस में जाएगा, ये कीटोन में जाएगा, कीटोन में जाएगा तो ये बना देगा, ये ओ एच 18 और ये डबल बॉन्ड ओ, ऐसा ऑप्शन अपने पास है फोर्थ, तो दैट्स अ फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन टू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम साइक्लोपेंटेन, कहां से सिंथेसाइज करना है, साइक्लोपेंटेन से। तो फर्स्ट ऑप्शन लगाता हूं मैं, फर्स्ट रिएक्शन Br2Hμ, तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, Br एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो ये यहां पे ये डबल बॉन्ड, उसके बाद Br2CCl4, तो दो Br जुड़ जाएंगे, बट हमारे पास प्रोडक्ट में कितने Br हैं, तीन हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। इसकी बात करें तो पहले Br2Hμ से पहले ये बन गया, उसके बाद C2H5O-, तो ये भी HBr बाहर करेगा और यही बनेगा, Br2CCl4 तो वापस यही बनेगा, यहां से भी HBr बाहर होगा, तो फर्स्ट और सेकंड में तो सेम ही आ रहा है। अब इसमें बात करें तो पहले एल्कोहलिक KOH तक हमारे पास ये आ जाएगा, उसके बाद NBS एलाइलिक पोर्शन पे ब्रोमिनेशन करता है, एलाइलिक पोर्शन पे ब्रोमिनेशन करता है, तो यहां Br आ जाएगा, फिर Br2CCl4, तो दो Br2 का एडिशन हो जाएगा CCl4, और यहां पे ये Br, ये Br और ये Br, दैट्स आंसर। तो ये वाला इसमें बन रहा है, तो ये आंसर होगा। इसमें एल्कोहलिक KOH तक तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर NBS से ब्रोमिनेशन एक Br आ जाएगा, फिर HBr से डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, तो एक ही Br आएगा, तो होपफुली आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज से क्वेश्चन लिया हुआ है, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट एट फास्ट रेट विद HI देन HCl। ये बोल रहा है कि C2H5OH की रिएक्शन HI से करवाते हैं और C2H5OH की रिएक्शन HCl से करवाते हैं, तो ये वाली रिएक्शन मच फास्टर होती है और बनाती है C2H5I और यहां भी बनाएगी C2H5Cl, बट इसको R1 मानू, इसको R2 मानू, तो R1 इज मच फास्ट कंपेरेटिव टू R2। इसका रीजन क्या है ये पूछा है। तो देखो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, C2H5OH है तो HCl HX है तो H प्लस अटैक करेगा, C2H5OH2 पॉजिटिव बन गया, दैट्स अ लिविंग ग्रुप। अब एक बार I माइनस अटैक कर रहा है, एक बार Cl माइनस अटैक कर रहा है, बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोला हुआ है, जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है बोला हुआ है, तो I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये SN2 पाथ से इसको जल्दी पार करेगा SN2, इसलिए ये फास्ट हुई है रिएक्शन, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हुआ, क्योंकि ये अटैक करना यही इसकी स्लो और क्या है RDS है, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास नजर आएगा यहां पे। I माइनस डिराइव्ड फ्रॉम HI, जो HI से आया है, इज ए मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट, सिंपल है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CCl3CHO से H2SO4 से करवानी है, तो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और बनता है इसमें क्या, DDT बनता है, सबको पता है ऑलरेडी, सबको रिएक्शन करवाई हुई है, तो DDT का फॉर्मूला आपको चेक करना है और DDT आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड इज
करेक्ट आंसर डीडीटी बनेगा। नेक्स्ट ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, इपोक्साइड दिया पहले तो यहां क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा क्या, MgBr। अब इस इपोक्साइड रिंग पे अटैक करवाना है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक किधर से करेगा, अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, कहां से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, ये वाली, बट ये इपोक्साइड कहां है, अबाउट द प्लेन, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट किधर से आएगा, बिलो द प्लेन। इपोक्साइड कहां है, अबाउट द प्लेन, ग्रिग्नार्ड एजेंट कहां से आएगा, बिलो द प्लेन, तो ये बिलो द प्लेन आएगा और ये यहां से यहां, तो यहां पे क्या बनेगा, आप खुद देखें, इमेजिन करें कि इधर कोई चेंज नहीं किया हमने, इधर तो ये OH हो जाएगा, इस पे H3O दिया हुआ है ना, बाद में H3O हाइड्रोलाइसिस से O- पे H सप्लाई हो जाएगा और इधर ये CH3। अब ये किधर से आया था, अबाउट द प्लेन या बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन आया था, अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, तो इधर से, क्योंकि इपोक्साइड अबाउट द प्लेन है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये लो आंसर। तो ऐसा आंसर देखें तो वो फर्स्ट में है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विच रिजल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या करेगा, E2 वाया एंटी पेरी प्लेनर HBr बार करेगा, तो इस Br के रेस्पेक्ट में ये जो H है ये तो कौन सा हो गया, SPP मतलब सिन पेरी प्लेनर, बट यहां एक H और है तो वो तो सिन है, बट ये वाली H क्या है, एंटी पेरी प्लेनर पे है, तो H वो जाएगी और प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बन जाएगा, ये CH3 एजिट रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और वो H एजिट रह जाएगा। ऐसा ऑप्शन आपको चेक करना है, ऐसा ऑप्शन आपके पास मिलेगा थर्ड में, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट An alkane with the formula C6H14 can be prepared by reduction of Zn+2NHCl on only 2 isomeric chloride. What is the systematic name of the alkane? कि केवल दो से ही बननी चाहिए। तो देखो यहां ये वाला isomer है ना, एक बार Cl यहां लगाओ और एक बार Cl यहां लगाओ, इसकी reaction भी Zn+2H+ से करवाओ, इसकी reaction भी Zn+2 और H+ से करवाओ, तो यहां इसका रिडक्शन भी हो जाएगा तो भी आपके पास यही बनेगा और इससे बनेगा तो भी यही बनेगा, क्योंकि यहां H सप्लाई होगा। तो उसका बोला कि सिस्टमेटिक नाम क्या है, एक दो, केवल दो यही बनेंगे, बाकी तो 6 कार्बन पे आइसोमर सब में ज्यादा बनते हैं, 2 आइसोमर ये वाला ही देता है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,2,3,4,2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब सेकेंड। ओके नेक्स्ट, ये सिंपल रिएक्शन है, पहले हिट किया है तो एक ही कार्बन पे दो COH ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही कार्बन पे दो COH ग्रुप प्रेजेंट है तो एक CO2 बाहर हो जाएगा और यहां बन जाएगा ये COH। अब ये अबाउ द प्लेन वाला भी बन सकता है या बिलो द प्लेन वाला भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर यहां CH3 और ये H, उसके बाद ये वाली रिएक्शन कौन सी है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, कौन सी है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, तो वापस से CO2 बार होगा और ये बन जाएगा ये CH3 और ये H। फिर करवाया Br2 हाईली रिएक्टिव टुवर्ड 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो Br2 ये FRS हो जाएगी, यहां पे क्या सप्लाई हो जाएगा, BCH3 और ये Br। ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे तो वो हमें मिलेगा, ऐसा ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा हमें, ये H ही है यहां पे, तो ये थर्ड। नेक्स्ट, तो ये बात हुई सेक्शन ए की, नाउ हम बात करेंगे सेक्शन डी जो इंटीजर क्वेश्चन का है। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है Ac2O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इंक्रीज बाय C8H8O4, इतने से इंक्रीज हुआ है ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन AR, तो हमें पता है ड्यूरिंग एसाइलेशन ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज बाय 42, क्योंकि इसका CH3CO इसका 43 होता, बट एक H बाहर होती है, तो यहां कितने से इंक्रीज हुआ है, तो यहां देखो C8 मतलब 12 इंटू 8, H8 मतलब 1 इंटू 8, और यहां ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो इसका तो हो गया कितना,
76, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 64। तो इधर से कितना आया 8 और 6 14, 14 4 8 डिवाइड बच गई 2, 1 बच गया 8, 148 बना क्या, ऑप्शन कितनी है 64, ये हो गए कितना 76, 148, 148 में 4 2 से डिवाइडेड करूंगा, ठीक है, तो 148 में 4 2 से डिवाइडेड करेंगे अपन, तो यहां से 42 को मल्टीप्लाई करो 4 से, एक मिनट वापस देख लीजिए 63, वापस से चेक करते हैं एक बार कितने से इंक्रीज हुआ है सी 8, तो 12 है इंटू 8 तो हो गया 96, ठीक है, और 1 इंटू 8 8 ये हो गया और 64 वो हो गया, तो 16 इंटू 4 64 ये हो गया, 8 और 6 14 4 18 8 1 168 42 कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 4। ओके नेक्स्ट, कंपाउंड दिया हुआ है, स्टेटमेंट पूछे रिगार्डिंग इसके, तो सबसे पहले LiLH4 से रिएक्शन करवाऊंगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन करेगा, तो यहां भी OH आ जाएगा, यहां से टूट जाएगा ये, और इधर ये ग्रुप ऐसा ही लगा हुआ है, और इधर ये OH हो गया, और इधर भी यहां पे हो जाएगा आपके पास ये OH रिडक्शन। फिर एनहाइड्राइड तो कितने OH हैं, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू एनहाइड्राइड कितने कंज्यूम्ड हो रहे हैं 3, तो ये तो सही है। अब इसकी रिएक्शन करवाई किससे, अक्स Ac2O से, तो एसाइलेशन होगा O AC, ये एजिट रह गया, और इधर भी O AC और यहां भी O AC, ये बने ना, बोला C will show geometrical isomerism, मतलब ही नहीं है geometrical isomerism कैसे show करेगा, ये तो geometrical isomerism show कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही नहीं है, तो गलत हो गया। B इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो B ये बना, तो डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव है, काइरल सेंटर यहां भी है, तो ये सही है। C गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है एल्कोहल का, कार्बोनिल कंपाउंड का, तो यहां तो ना तो एल्कोहल है ना कार्बोनिल कंपाउंड है, ये एस्टर हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट सही है, बोल दिया कौन कौन सा, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये देखा है नंबर ऑफ ए बी मोल विल बी इन अबाउट रिएक्शन, हेलोफॉर्म करवाइए क्या, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कैसे होती है वो देखो, पहले ये रिएक्ट करेंगे आई टू और टू एन ए ओ एच, जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एन ए ओ आई प्लस एन ए आई और प्लस एच टू, आपको पता है हेलोजन की एन ए ओ एच के साथ रिएक्शन डिसप्रोपेनेशन होती है। अब NaOI जो है वो कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NaOI, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो क्या करेगा, सबसे पहले यहां से NaOI जो है ना ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaI में, और इसका ऑक्सीडेशन कर देगा किसमें, कार्बोनिल कंपाउंड में। अब हमें पता है यहां तीन थ्री टाइम तीन मोल आई टू और थ्री मोल NaOH रिएक्ट करेंगे, तो पहले बनाएंगे O और ये Ci3, उसके बाद वापस से NaOH आएगा, OH माइनस अटैक करेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये बाहर, तो उधर तो बना COH और इधर बन गया Ci3 माइनस, फिर ये H जाएगी और इधर क्या बना देगी, हेलो फॉर्म, और उधर बन जाएगा सोल्ट। तो NaOH के कितने मोल, दो, तो यहां से NaOH के कितने मोल कंज्यूम्ड हुए हैं, दो, यहां पे दो है ना, उसके बाद तीन यहां पे, एक यहां पे, थ्री प्लस वन मतलब कितने सिक्स। आई टू के कितने मोल कंज्यूम्ड हुए, एक यहां पे और तीन यहां पे, चार आई टू हुए आपके पास, चार टोटल कितने हो गए, टेन। नंबर ऑफ ए बी मोल विल बी अबाउट रिएक्शन, तो आ जाएगा आंसर 10, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा।
भाई आई टू डायरेक्ट ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, पहले ये इसमें जाएगा NaOI और NaI में। नेक्स्ट C2H5C2C5H10H2 निकल से अक्ष बना रहा है और ये बोल रहा है कि ये केवल 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर दे रहा है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन पे। तो बोला है हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिक इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल फॉर C5H10 इन अबव रिएक्शन। तो देखो अगर मैं ये लेता हूं 3 तो ये वाला बनता है, एक बार Cl यहां, एक बार Cl यहां और एक बार Cl यहां, इससे बनते हैं 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर। ये किससे बन सकता है निकिल, ये इससे बना है Cl2H μ और ये किससे बन सकता है, ये इससे बन सकता है और ये वाला इससे बन सकता है। आजा ठीक है, अब ये दोनों बना सकते हैं निकिल H2 से, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ये डबल बॉन्ड, तो इसके 2 आइसोमर बनेंगे। बट हमें पूछा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पेयर पूछे हैं, पेयर कितने पॉसिबल हैं, तो पेयर इसके 2 पॉसिबल हैं, एक ई और एक जेड, 2 आइसोमर बन रहे हैं, तो पेयर कितना हो गया, पेयर हो गया 1, पेयर कितना हो गया 1, तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन NaCN हाउ मेनी डिफरेंट डाई साइनो प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड इन अबाउ रिएक्शन। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो देखो CH3CN एक बार यहां, CN एक बार यहां और ये CH3 ये बनेगा और ये Cl और ये Cl, एक तो ये बन सकता है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी, R R हो सकता है, S S हो सकता है, R और S हो सकता है, मतलब कितने आएंगे इधर से 003। एक ये वाली पॉसिबिलिटी भी आ सकती है, दोनों ही CN सेम कार्बन पे आ जाए CH3, तो एक ये वाला बन जाएगा, देयर इज नो कायरल सेंटर, तो एक ये और 3 वो, मतलब आंसर आएंगे 4। तो ये था जेई मेन का पेपर, होपफुली समझ में आ गया होगा, इजी गोइंग पेपर था, एनसीईआरटी से भी बिलोंग कर रही थी कुछ रिएक्शंस, बाकी प्रीवियस ईयर जेई मेन के पेपर्स को भी ध्यान में रखा हुआ कि किस लेवल का आ रहा है, उसी लेवल का पेपर था। ओके थैंक यू।